बीएसएफ के जवानों की साइकिल रैली पहुंची सांचौर, किया भव्य स्वागत। सांचौर से सुरेश गढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बीएसएफ के जवानों की एक बटालियन जो साइकिल पर यात्रा करते हुए 14 सितंबर को गुजरात बॉर्डर के थरात से राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करने के बाद सांचौर पहुंची। जानकारी के अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार बीएसएफ के करीबन 500 जवान 6 सितंबर को गुजरात के पोरबंदर से रवाना हुए, जो 2 अक्टूबर को न्यू दिल्ली पहुंचेंगे। यह रैली पोरबंदर से रवाना होने के बाद 14 सितंबर को गुजरात बॉर्डर के थरात से होते हुए सांचौर पहुंची, जहां पर विभिन्न संस्था एवं प्रशासन के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शहर के निजी विद्यालयों के द्वारा रास्तों में सेना के जवानों का स्वागत किया गया, जिसके बाद में जवानों के द्वारा माखोपुरा स्थित बाबा रामदेव ट्रस्ट में विश्राम किया गया। वहीं माखोपुरा से 3 बजे रैली रवाना होकर रानोदर पहुंची, जहां पर ग्लोबल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज एवं राउमावी कपासियों की ढाणी में सेवा के जवानों के ठहरने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद में 15 सितंबर को रैली बाड़मेर के लिए रवाना हुई। गुजरात बॉर्डर से लेकर बाड़मेर बॉर्डर तक यातायात की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का जब तक भी तैनात रहा। वहीं प्रतिभागियों के लिए पेयजल व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, दरिया कुर्सियां की व्यवस्था जगहों के अनुसार जलदाय विभाग, विकास अधिकारी एवं नगर पालिका के द्वारा की गई। नाथ जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर की पूजा।